वेलकम टू सोशल। साहो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव एक्शन फिल्म है और रिलीज से पहले ही इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी कि लग रहा था कि ये फिल्म बाहुबली की तरह एक्शन फिल्म्स में एक नया लेवल लेकर आएगी। फिल्म को क्रिटिक्स से बिल्कुल भी अच्छे रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं, पर ऑडियंस ने इस फिल्म में फिर भी इंटरेस्ट दिखाया है। फिल्म के रिलीज होने के बाद ही फिल्म के इंस्पायर्ड होने की न्यूज़ सामने आई है और साहो को देख के लगता है कि फिल्म एक नहीं बल्कि कई फिल्म से इंस्पायर्ड है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको उन चार फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनसे साहो इंस्पायर्ड है। हमारे मुताबिक इंस्पायर्ड होना कोई गलत बात नहीं, पर अगर वो इंस्पिरेशन उसकी ओरिजिनल फिल्म मेकिंग सेंस को जस्टिफाई ना करे तो एज अ व्यूअर यू माइट फील चीटेड। इस वीडियो में कई स्पॉयलर्स होंगे, सो प्लीज बी अवेयर। नंबर 1, रॉक एंड रोला। मूवी प्रमोशंस के दौरान प्रभास ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए फिल्म डायरेक्टर सुजीत ने उन्हें इंग्लिश डायरेक्टर गाय रिची की फिल्म्स देखने के लिए एडवाइस किया था। गाय रिची की इनिशियल फिल्म्स गैंग्स, रॉबरी, एक्शन और कॉमेडी पे बेस्ड रही हैं। 2008 में आई रॉक एंड रोला से साहू की काफी स्टोरी लाइन मिलती है। जैसे उस फिल्म में भी एक गैंगस्टर एक एम्पायर रन करता है और किसी को नहीं पता होता कि उसका एक बेटा भी है। वहीं दूसरी तरफ एक अकाउंटेंट अपने पर्सनल गेन्स के लिए फ्रॉड करती है जिसका किसी को एंड तक नहीं पता चलता। इस कैरेक्टर से मंदिरा बेदी का कैरेक्टर इंस्पायर्ड हो सकता है। उसके अलावा रॉक एंड रोला में भी एक अंडरकवर कॉप प्लॉट लाइन भी है जहां द वाइल्ड बंच एक गैंग है जिसमें जेरार्ड बटलर, टॉम हार्डी और एड्रिस एल्बा नजर आते हैं और तीनों कई बार एक दूसरे को अंडरकवर पुलिस एजेंट होने का मजाक करते हैं। ऐसे ही साहू में भी आपको फर्स्ट हाफ में पता नहीं चलता कि कौन पुलिस में है या कौन नहीं। नंबर 2, स्नैच। एक और गाय रिची फिल्म जो सिमिलरली गैंग्स और रॉबर्स पे बेस्ड है, जहां फिल्म की स्टोरी एक डायमंड को ढूंढने के बारे में है। उसके बीच में ही एक्शन, कंफ्यूजन और कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। स्नैच और साहू में कोई एग्जैक्ट सिमिलैरिटी नहीं है, पर अगर आपने स्नैच देखी हो तो फिल्म का नैरेटिव बिल्कुल साहू की तरह है। जहां फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही अनकन्वेंशनल चोरी से होती है और वैसा ही कुछ साहू की शुरुआत की रॉबरी में भी होता है। उसके बाद फिल्म में ब्रैड पिट का कैरेक्टर प्रभास की तरह किसी को नहीं पता चलने देता कि उसका असली मोटिव क्या है, पर एंड में हम देखते हैं कि ब्रैड पिट का कैरेक्टर अपनी मदर की डेथ का रिवेंज लेता है और वैसा ही साहू में प्रभास एंड में चंकी पांडे के साथ करते हैं। नंबर 3, मैड मैक्स फ्यूरी रोड। इसमें कोई शक नहीं कि मैड मैक्स इस जनरेशन की सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है जिसके सेट डिजाइन और शूटिंग स्टाइल ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। मैड मैक्स में जैसे हम ऑरेंज कलर कॉन्ट्रास्ट, जाइंट लुकिंग गैंगस्टर्स, सैंड स्टॉर्म्स, हर कुछ ऐसा देखते हैं जो आपने साहू के क्लाइमैक्स में देखा होगा जहां प्रभास अकेले पूरी गैंग से लड़ते हैं। मैड मैक्स के शूटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस इस सीन में क्लियरली देखा जा सकता है। नंबर 4, लार्गो विंक। 2008 में रिलीज हुई फ्रेंच एक्शन थ्रिलर लार्गो विंक से सबसे ज्यादा साहू सिमिलैरिटीज रखती है। बहुत कम लोगों ने इंडिया में लार्गो विंक देखी होगी। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 5 मिनट में रियलाइज करेंगे कि साहू का प्लॉट इसी मूवी से सबसे ज्यादा कॉपी किया गया है। फिल्म साहू में जैसे एक फिक्शनलाइज्ड वाजी सिटी दिखाई गई है, लार्गो विंक में भी एक फिक्शनलाइज्ड डब्ल्यू ग्रुप दिखाया गया है। साहू में जैसे वाजी सिटी के डॉन का मर्डर हो जाता है, वैसे ही लार्गो विंक में भी डब्ल्यू ग्रुप के बिगेस्ट शेयर होल्डर का मर्डर कर दिया जाता है। दोनों ही फिल्म्स में दिखाया गया है कि कैसे फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि उनका एक बेटा भी है जो उनका एम्पायर अब आगे लेकर जाएगा। जिन्होंने साहू देखी होगी वो अभी तक समझ चुके होंगे कि लार्गो विंक और साहू में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने भी साहू के मेकर्स के अगेंस्ट ट्वीट किया और कहा कि इफ यू स्टील माई वर्क एटलीस्ट डू इट प्रॉपरली। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।